मौली जागरा निवासी राजेश कुमार ने सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उनके अजन्मे बच्चे की मौत होने की जानकारी दी है। राजेश का आरोप है कि जब वह अपनी गर्भवती पत्नी को सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में डिलीवरी के लिए लेकर आया तो डॉक्टरों ने उसे अभी एक हफ्ते रुकने के लिए कहा, लेकिन घर जाने पर पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और राजेश दोबारा अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां पत्नी की डिलीवरी के बाद राजेश को ये बताया गया कि उनका बच्चा तो पिछले 3-4 दिन पहले ही मर चुका था। शनिवार को चेकअप कराने आए थे वाइफ का, तो पहले तो उन्होंने चेकअप नहीं किया जी, वो कहते ठीक है जी अभी हफ्ता रहता है, पेन नहीं हो रही है जननी को, ले जो। हाँ, मैंने बोला मखा मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ तो मखा चेकअप तो करा भाई, तो चेकअप कराने के लिए भेजा। उन्होंने चेकअप करके बोला कि कहते हफ्ता लगेगा अभी डिलीवरी को, हफ्ते बाद आना जी। और शाम के टाइम हम पार्क में घूमने गए जी, उसके बाद में उसको पेन हो गई है, तो उसी टाइम हम रात को हॉस्पिटल में ले आए हैं करीब 12:30 के करीब। तो उसके बाद में इन्होंने कागज़ कार्रवाई की, 1:30 बजे फाइल बनाई है जी। 1:30 बजे के बाद में फाइल बनाने के बाद तो सवेरे 6 बजे के करीब बच्चा होया जी, और डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चा फ्रेश नहीं है, कि ये कम से कम 3-4 दिन पहले से मरा हुआ है। मैं कार्रवाई चाहता हूँ पहले वाले डॉक्टर से, उसने किस हिसाब से मेरे को डेट दी है 1 हफ्ते की, डॉक्टर कह रहे हैं कि फ्रेश नहीं है, 3-4 दिन से बच्चा मरा हुआ। बहरहाल इस सारी घटना पर हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। वहीं पीड़ित राजेश ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ पुलिस में जाने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।